हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल की डेट में यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी और सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको रूबरू कराया गया था, तो यहाँ पर जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। और आज अगेन यहाँ पर निफ्टी का प्रिडिक्शन और निफ्टी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने निफ्टी के बारे में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिले और आप यहाँ पर सीख सके। तो देखिए यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइंस, मैं एक चैप्टर जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, यहाँ पर कुछ काम और बाकी है, उसके बाद मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा। दो दो दिन में यहाँ पर खत्म करेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन, एक यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा सीक्रेट ट्रेंड लाइन। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो आप जो सीक्रेट ट्रेंड लाइन है तो ये सीखेंगे, कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ओके, कभी आपको लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वो चीज़ें यहाँ पर नीचे आ जाती है, तो उस चीज़ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझने में आसानी होगी। और ट्रेंड लाइन से आपको पता चलेगी कि कहाँ पर चीज़ें आके रुक सकती है, कहाँ पर चीज़ें आके यहाँ पर गिर सकती है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको बड़ी हेल्प करने वाली है, तो वो बात की बात है। बट अभी हम बात करते हैं निफ्टी के व्यू से रिलेटेड। आज के दिन अगर हम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी देखते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ा ड्रामा होता हुआ नजर आया। स्टार्टिंग में अच्छा खुला, ओके, लगभग 621 से यहाँ पर 15621 पे गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर भागता हुआ दिखाई दिया। सेम अगर मैं आपको बताऊं तो कल यहाँ पर डोजोन्स में भी होता हुआ दिखाई दिया, वो नेगेटिव में बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट स्टिल हमारा मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे और फिर ऊपर। तो इस तरीके से एक काम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया, बट एटलीस्ट यहाँ पर 150 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी फिफ्टी को, तो निफ्टी फिफ्टी अगेन यहाँ पर देखिए इसने आज बनाई है एक डोजी। और डोजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर इसका हाई जो था 15628, इसे अगर क्रॉस कर देता है तो एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है जो कि यहाँ पर इसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले जा सकती है। बट याद रखिए जो ये लाइंस है, ओके, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो इसे इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है 1577 के आसपास का, और इसके बाद बात करें 15874, ये दो यहाँ पर लेवल है, इन दो को अगर ये क्रॉस कर देता है तो याद रखिए एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे अगेन जो ये वाला बॉक्स था इस वाले बॉक्स में यहाँ पर लेते हुए आती हुई दिखाई दे सकती है। पहले ये बॉक्स चल रहा था, फिर यहाँ पर ये बॉक्स आया, फिर यहाँ पर गिरावट हुई तो ये बॉक्स पे एंटर किया। तो यहाँ पर एक बॉक्स थ्योरी है जो कि यहाँ पर एक अमेरिका में एक बहुत बड़े डांसर हुआ करते थे, उन्होंने ये बॉक्स थ्योरी के थ्रू लगभग उस जमाने में 10 करोड़ रुपए कमाए थे। ओके, तो यूएस डॉलर में उस हिसाब से आप उस टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, इस चीज को याद रखिए। ये लाइन जो दे रखी है, ये लाइन क्रॉस हुई तो एक तेजी होती हुई ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर चीजें हो सकता है कि जिस तरीके से ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ओके, यहाँ पर फॉलिंग वेज बन रहा है, तो फॉलिंग वेज में क्या होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद ऊपर ले जाके फंसाया जाए, ओके, या फिर यहीं से ही शायद नीचे ले जाके यहाँ पर गिराया जाए, और फिर उसके बाद जब तेजी होगी तो अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई देगी। और जैसे कि सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि 2-3 महीने की और यहाँ पर 2-3 महीने में बॉटम बन जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जून में बैठे हुए हैं और मैं अगर इसे यहाँ पर पकड़ लेता हूँ तो लगभग 2 महीने ही यहाँ पर नजर आता है, तो यहीं के आसपास आपको यहाँ पर बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा और चीजें फिर जब भागेगी तो अच्छी खासी भागती हुई दिखाई देगी। तो निफ्टी फिफ्टी में इस तरीके का व्यू रखिएगा और बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिएगा, अच्छा पैसा फ्यूचर में बनता हुआ नजर आएगा और ये गिरावट ने आपको काफी कुछ सिखाया होगा। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप में मैंने लास्ट टाइम ही आपको बता दिया था, यहाँ पर इसने टच करके ऊपर की तरफ चला गया है, ओके, और ये इस तरीके से यहाँ पर जिस जो इसका रेजिस्टेंस था उसे भी यहाँ पर क्रॉस करके सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसे तेजी के लिए जो इसका ये वाला लेवल है 26,242, इसे निकालना जरूरी है। इस लेवल को निकाला तो एक दूसरी डायरेक्टरी में पहुंचेगा जो कि यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस इसके लिए बनता हुआ नजर आएगा, और इसे भी क्रॉस कर दिया तो फिर ये इस बॉक्स में आता हुआ नजर आएगा। तो ये धीरे धीरे करके इस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और गिरावट की बात करें, अगर मार्केट गिरता है तो इसके लिए ये सेम यहाँ पर ये एक सपोर्ट 25,000 के आसपास और एक 24,778 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है। तो डिपेंड करेगा सब चीज के ऊपर, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा खासा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है मिड कैप। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की भी हम बात करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी सेम यहाँ पर व्यू है। निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पर देखिए इसने टच किया, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने वीडियोस में बताया था कि ये यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है, इसी सपोर्ट को टच करके ऊपर की तरफ गया। बट यहाँ पर आप देखेंगे
दो तीन दिन से लगातार इसके अंदर ही ये कैंडल बना रहा है, और जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, किस कैसी कैंडल, यहाँ पर देखिए एक कैंडल बड़ी बनी और बड़ी के अंदर काफी सारी तीन चार कैंडल बनती है, और इसे जब तीन चार कैंडल बनने के बाद इसके जो हाई है, जो ये इस कैंडल का हाई है जो कि कितना है 8,284, ओके, इसे अगर क्रॉस कर देता है, अगर एक आध दिन और इसी तरीके से इसी के अंदर कैंडल बनती है और इसे क्रॉस कर देता है, तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे यहाँ तक, ओके, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये एक बुलिश सिग्नल देता है कि यहाँ पर एक चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जब मैं आपको कैंडल के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर इस चीज से इस चीज के बारे में भी आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। तो निफ्टी स्मॉल कैप पे भी ध्यान दीजिएगा, शायद यहाँ पर ऊपर की तरफ ये शेयर भागता, निफ्टी स्मॉल कैप भी भागता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंडेक्सेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसने बार बार देखिए ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद लोगों को लगा कि यहाँ पर अब और तेजी होगी, इसके लिए ये रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी गिरावट हुई, और गिरावट में भी आप देखेंगे तो इसने अपने इस सपोर्ट को यहाँ पर बखूबी यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट किया, और इसी लेवल से यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल आई इसने इन्वर्टेड हैमर, बट इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि यहाँ पर जब तक इसके हाई को नहीं निकालेगा तब तक बाइंग किया पहुंचेगा, इसकी हाई को निकाल देता तो तेजी होती, बट यहाँ पर गिरा अगेन, यहाँ पर इस सपोर्ट था, इस सपोर्ट को यहाँ पर इसने सपोर्ट किया, और यहाँ पर बात करें ये स्पिनिंग टॉप बनाया, और जब भी इस तरीके की यहाँ पर डोजी कैंडल बनाते हैं, डोजी कैंडल का अगर ये ऊपर निकालते तो सीधे याद रखिएगा तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी बैंक में भी इस तरीके की रही है, और नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर ये वाला सपोर्ट सबसे पहले, और दूसरे सपोर्ट की बात करूं ये सपोर्ट, दो ये सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे, जब तक ये नहीं टूट रहे तब तक एवरीथिंग इज गुड। इसके अलावा निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में जब इसने यहाँ पर ये वाला लेवल निकाला था तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया था कि इसने अब रेजिस्टेंस है, ओके, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने निकाल दिया है, और यहाँ पर देखिए दो लगातार यहाँ पर क्या बनाया था इसने, दो लगातार बनाए थे इसने हैमर, और जब भी इस तरीके के हैमर या फिर आप कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई, दोनों इसने इस तरीके की कैंडल बनाई थी, और जब भी ऐसे बनाता है तो अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आती है। आज भी बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर तेजी थी, बट इसके लिए ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ देता है तो अगेन इस बॉक्स में आता हुआ दिखाई देगा जो कि 29,174 के आसपास का लेवल है निफ्टी आईटी में, ये आपके लिए है जो कि आपको यहाँ पर समझना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट नहीं चाहिए। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल में मैंने आपको बता दिया था ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, ओके, अगर जब तक इस सपोर्ट को यहाँ पर इसने होल्ड किया हुआ है तब तक ठीक है, बट यहाँ पर इसने आज जो ये कैंडल बनाई है एक तरीके की डोजी बनाता हुआ नजर आया है, ओके, और जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो अगेन ऊपर की तरफ, अगर इस कैंडल का हाई तोड़ दिया तो ऊपर की तरफ जा सकता है, बट इसके लिए रेजिस्टेंस 4,867 है, और नीचे का लेवल सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है, जब तक इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है एवरीथिंग इज गुड, बट अगर इसने तोड़ दिया तो सीधे यहाँ पर 4,190 और इसके बाद 4,084 और फिर इसके बाद बात करूँ तो 3,619 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं निफ्टी मेटल में, ये मेरी राय है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो यहाँ पर देखिए जब तक यहाँ पर इसने ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया था तब तक मैं आपको कह ही रहा था कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बट इसने निफ्टी ऑटो ने लगभग 4.39% के साथ इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके, इसी के ये भी एक टॉप है और ये टॉप है, और इसने लगभग क्रॉस ही कर दिया इस टॉप को, तो कल की डेट में शायद तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, बट इसे 11,453 का लेवल निकालना जरूरी है, इसे निकाल देता है तो सीधे इसके लिए रेजिस्टेंस 11,667 बनेगा, तो 11,667 की तरफ आपको ध्यान देना है, अगर इसे भी क्रॉस करता है तो और दूसरे बॉक्स में जाएगा, अदरवाइज नीचे की बात करें तो ये इसके लिए अब सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को जब तक रेस्पेक्ट कर रहा है इसे तोड़ दिया अगेन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई देती है जैसे कि निफ्टी आईटी में दिखाई दे रही है। निफ्टी आईटी की अब बात करें तो निफ्टी आईटी में भी आप देख सकते हैं बुलिशनेस यहाँ पर साफ दिखाई देती है जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करते हैं फार्मा की, फार्मा की बात करें तो अगेन यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई, गिरावट के बाद इसने यहाँ पर हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद ऊपर गया, देखिए अच्छा खासा तरीके से अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट यहाँ पर निकाल नहीं देता तब तक यहाँ पर चीजें नहीं जाएगी, और सपोर्ट की बात कर रही है 11,729 का यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये 11,300 का लेवल निकाल दे
तो ये 11,400 का लेवल निकाल, 426 का लेवल निकाल दे, तो एक डायरेक्टरी है जो कि यहाँ पर 13,248 तक इसे लेके जाएगी। और मैं ऑलरेडी निफ्टी फार्मा में कह चुका हूँ कि 1 से 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर, ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बट इसके बाद ये शेयर यहाँ पर से फार्मा के शेयर भागते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा मार्जिन यहाँ पर इनके कंपनी के अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एफएमसीजी की। एफएमसीजी की मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में बार बार जब भी आ रहा हूँ हमेशा बता रहा हूँ कि अगला सेक्टर यही है जो एफएमसीजी में यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। एफएमसीजी अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकते हैं, तो इसकी तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर इसने ये कैंडल बनाई थी, ओके, और जब भी इस तरह की कैंडल आती है इसका लो तोड़ देता तो याद रखिए गिरावट हो सकती थी, बट यहाँ पर इसने लो नहीं तोड़ा और यहाँ पर देखे तो एक सब रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस को निकाल देता है तो याद रखिए इस बॉक्स में आ जाएगा, और जब इस बॉक्स में आएगा तो इसके लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें 38,774 का लेवल यहाँ पर निकाल देगा। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को निकालता है तो थोड़ी सी तेजी आप करके चल सकते हैं, जो कि 38,734 तक इसे लेके जा सकती है। फिर उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, एक मिनट, एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी चीजें ऊपर जा चुकी है थी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर याद रखिए फिर दोबारा कभी ना कभी यहाँ पर मार्जिन पे इफेक्ट आता ही है अच्छी खासी तेजी के बाद, और जब इन्फ्लेशन और इस तरीके की यहाँ पर चीजें हो तो यहाँ पर अगर ये चीजें गिरती है, इसके लिए सपोर्ट बता देता हूँ एक बेहतरीन, जो यहाँ पर चल रहा है ये सपोर्ट तो इसका है ही है, बट एक अच्छा सपोर्ट और नजर आता है जो कि यहाँ पर नजर आता है ये वाला, ये याद रखिए इसका एक अच्छा सपोर्ट है 22,986 के आसपास का। अगर इसे रिस्पेक्ट जब तक कर रहा है, अगर इसे तोड़ा तो याद रखिए सीधे ये 21,963 तक जा सकता है, और ऊपर की लेवल जब यहाँ से टच करके, शायद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से टच करके चीजें ऊपर की तरफ जा सकती है, बट इसके लिए ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 26,331 तक आने का, फिर दोबारा गिरती हुई नजर आ सकती है। तो निफ्टी एनर्जी में मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर रियलिटी सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। तो रियलिटी सेक्टर की बात करें, गिरावट ऑलरेडी अच्छे खासे यहाँ पर हो चुकी है, और गिरावट होने के बाद इसने राउंडिंग टॉप भी बना लिया है, ओके, गिरावट होने को और भी हो सकती है, बट इसके लिए ये है सपोर्ट 370 के आसपास का सपोर्ट है, जब तक इसे रिस्पेक्ट कर रहा है ठीक है, इसे गिरा तोड़ा तो याद रखिए नीचे आ सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 390 का रेजिस्टेंस है, इसे अगर ऊपर गया तो सीधे यहाँ पर 412 का लेवल निकाल सकता है ये। तो यहाँ पर रियलिटी में जब तक इस लेवल को ना तोड़े तब तक यहाँ पर बुलिशनेस दिखाना इंट्राडे के पर्पज से बेवकूफी होगी, और अच्छी तेजी के लिए इसे 413 का लेवल निकालना जरूरी है। 413 का लेवल निकाला तो एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, 483 तक ले जाए, उस केस में आप यहाँ पर निफ्टी के जो जो दूसरे यहाँ पर रियलिटी सेक्टर है उसमें यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं, और उस केस में यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपका स्विंग में पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो इंडेक्सेस पर देखिए इंडेक्सेस कौन से भाग रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो और आ सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।